भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता, यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता, भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी भोजन किए रहना कठिन है, अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में दो व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ, अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है, तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, आचमन में सह मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्य सथा वह मगपान के सदृश हो जाता है, इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो सकता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करे तो उससे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए, उसके पश्चात भूखे और सत्यपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, यह है मुझको स्वयं भगवान ने बताया है, इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से अधिक है, केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के शार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं, अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यतन के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा ए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करके ही, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को ऋग्वेद पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र में ढक कर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के
दान का फल मिलता है, और जो इस दिन अज्ञादिक करते हैं उनका फल तो मनन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चाड़ाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म अत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ देश किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष स्त्री ऋग्वा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनके आग्रह लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए, तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र उपहार जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनके निश्चय की स्वर्ग की प्राप्ति होती है।